ये है मेरा आलसी दिमाग और ये वाला मेरा चुस्त दिमाग। आलसी दिमाग को हमेशा सोना होता है पर चुस्त दिमाग को हमेशा काम करना होता है। तो आज का अतरंगी दिन शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे आलसी और मेरे चुस्त दोनों दिमागों की है। मेरा चुस्त दिमाग आलसी दिमाग को काम करने के लिए पुश करता है। आलसी दिमाग को चुस्त बनाने के लिए सुबह सबसे पहले कुछ खाना तो पड़ता ही है, भिखारी के जैसे कटोरी लेनी पड़ती है। मेरे मम्मी पापा मेरा कंपैरिजन पड़ोस के बच्चों के साथ कर रहे हैं और जिस दरवाजे से लोगों को ये बातें सुनाई दे रही है मेरा चुस्त दिमाग उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब इसके बाद बारी आती है मेरे आलसी दिमाग को भी चुस्त बनाने की, अपना भूतकाल भुलाकर अपना फ्यूचर बनाने की। इसीलिए ही दुनिया का सबसे पौष्टिक आहार सफा चट कर जाता हूँ। खाना सफा चट करने के बाद मेरा चुस्त दिमाग मेरे आलसी दिमाग से कहता है, चल भाई अब दूसरा काम निपटाते हैं। दूसरे काम की बात हो रही हो और गाय के लिए घास लाने का जिक्र ना हो, ऐसा वाला कैसे हो सकता है। तो मैं दो जोड़ी कपड़ों में गाय के लिए घास लाने निकल जाता हूँ। कालू अंकल की कसम रास्ते बहुत खराब होते हैं, लेकिन फिर भी दिल पर बहुत बड़ी बस रखकर बुलेट ट्रेन की तरह अपने टारगेट तक पहुँच जाता हूँ। फिर ना गर्लफ्रेंड का मैसेज देखता हूँ और ना ही इंस्टा पे रील्स। हमेशा की तरह मेरे चुस्त दिमाग को बस खतरों का खिलाड़ी बनना होता है। सच कहूँ तो इसे किसी एक्शन फिल्म में काम करना होता है। बस हर बार इसे अपनी जान पर खेलना होता है, यही सब में तो इसे अपना कैरियर बनाना होता है। असल में प्यार के लिए सारी दुनिया से लड़ जाना होता है, खुद को बस उसी के लिए कुर्बान करना होता है। बस अब बहुत हुआ, अब उसके बारे में कुछ और मत कह देना वरना यही से कूदकर अपनी जान दे दूंगा और तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लास्ट वेंचर की कसम अपना कमरा कभी साफ नहीं करूंगा। तुम कमरा साफ करो या ना करो पर आलसी दिमाग एक बात तुमसे कह देता हूँ, तुम सारा काम बस चुस्त दिमाग से ही क्यों कराते हो, खुद तमाशबीन बनकर तमाशा क्यों देखते हो। तुम्हें भी तो चुस्त दिमाग की थोड़ी मदद करनी चाहिए ना, तुम्हें तो अपना ईगो साइड में रखकर उसकी मदद करनी चाहिए ना। पर तुम नहीं सुधरोगे, चुस्त दिमाग के ऊपर ही सारा बोझा लाद दोगे। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम्हारा चुस्त दिमाग तुम्हारे आलसी दिमाग से कुछ कहता क्यों नहीं, कान के नीचे बजाता क्यों नहीं। कान के नीचे कहीं बजा मत देना, क्योंकि अभी मैं अपने पशुओं से प्यार जो कर रहा हूँ। दुनिया की मोह माया को छोड़ चुस्त दिमाग तो खाना बनाने में लग जाता है और आलसी दिमाग डकार मारने में। आलसी दिमाग ने खाना खाया और चुस्त दिमाग ने बर्तन धोए, चुस्त दिमाग ने काले बर्तनों को भी सफेद कर दिया और आलसी दिमाग ने तो मानो हमारी नाक ही कटवा दी। अब पता नहीं चार लोग क्या कहेंगे। चार लोगों की बातों को अनसुना करके इंस्टा पर लाइक्स और फॉलोअर्स की परवाह करे बगैर फेसबुक पर एक क्यूट सा फोटो अपलोड करने के बाद मेरा चुस्त दिमाग तो जेम्स बॉन्ड की तरह काम करने लग जाता है। पर आलसी दिमाग ने तो मानो ठान ही लिया हो कि हमारी नाक कटवा के ही मानेगा। चुस्त दिमाग कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद कर गर्लफ्रेंड के पापा को मनाने के इरादे से वापिस खेत की तरफ निकल पड़ता है। पर सच कहूँ तो गर्लफ्रेंड भी पिछले कुछ 4-5 दिनों से नाराज है, इसीलिए जैकेट को अपनी नजरों से दूर कर देता हूँ। चुस्त दिमाग अपनी पूरी ताकत के साथ काम करने में लग जाता है और आलसी दिमाग मन ही मन पिज्जा बर्गर खा रहा होता है। चुस्त दिमाग पूरी मेहनत के साथ काम करता है और आलसी दिमाग पूरी बेशर्मी के साथ टाइम पास। चुस्त दिमाग काम में व्यस्त है और मैं सोच रहा हूँ कि ये दूसरे भाई साहब अस्त क्यों नहीं हो जाते। चुस्त दिमाग को मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, गाय के लिए थोड़ा और घास लाना है। मैं गिरना भी चाहता हूँ ना। लो जी गिर गए भाई साहब। ये आलसी दिमाग तो मदद करने भी नहीं आया। दुनिया और पापा की नजरों से गिरने के बाद मेरे चुस्त दिमाग ने तो ठान लिया था अब तो घर पहुँच कर ही दम लूंगा, चाहे लोग मुझे बुरी निगाहों से ही देख लें। चुस्त दिमाग तो फिर काम को अंजाम पहुंचाने में लग जाता है और आलसी दिमाग आलस करने में। इतने में चुस्त दिमाग हिम्मत करके कहता है, क्या यार भाई सारा काम मैं ही करूँ, तू भी कर थोड़ा बहुत काम। शांति से तू ही कर काम।
मैं नहीं करना काम को। थोड़ी बहुत नोक झोक होने के बाद चुस्त दिमाग डरते हुए वापिस काम में लग जाता है, और आलसी दिमाग उसके तो क्या ही कहने। टाइम वेस्ट करना कोई आलसी दिमाग से सीखे, चुस्त दिमाग तो काम की राह पर नंगे पांव चल देता है, और आलसी दिमाग बस आलस करता रह जाता है। दिन ढलने के बाद आराम करने के वक्त हमारा आलसी दिमाग कुछ यूं सोचता है, बस एक बात समझ नहीं आ रही, ये चुस्त दिमाग सच में चुस्त है भी या नहीं, क्योंकि सुबह से लेकर तो सारे काम बस यही करता आ रहा है। अब ये गिटार प्रैक्टिस करेगा और उसका फायदा मैं उठाऊंगा, लड़कियां पटाके। फिलहाल अभी बहुत नींद आ रही है, अभी सोते और काम चुस्ती माफ करने देते हैं।